Assalamu alaikum and welcome back to Orange Shorts. The two biggest companies of the world when we talk of the smartphone are Samsung and Apple. Samsung का शेयर तकरीबन वर्ल्ड मार्केट में 29% है और Apple का शेयर तकरीबन 27% है। और जब हम कंपनी की वैल्यू की बात करते हैं तो Apple is valued at about $2 trillion, $2 trillion American dollars, और Samsung की वैल्यू तकरीबन 50.6 US billion dollars है। और हम बात कर रहे हैं सन 2020 की, और ये स्टैट्स हैं दिसंबर के। बट व्हेन वी टॉक ऑफ द स्मार्टफोन्स, तो दोनों की दोनों कंपनीज के दरमियान में दुश्मनी रोज़े रोशन की तरह आया है। व्हेन एप्पल रिलीजेस एनीथिंग, तो ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में एप्पल के अलावा कोई कंपनी मौजूद ही नहीं है। वो अपनी हर चीज़ के बारे में बात इस तरीके से करते हैं कि जैसे उससे पहले ये चीज़ दुनिया में किसी और के पास कभी थी ही नहीं। वो अपनी चीज़ों की खसूसियत इस तरीके से बयान करते हैं कि जैसे इस दुनिया में सिर्फ वो मौजूद हैं और कोई है ही नहीं। Today is the beginning of a new era for iPhone. Today we're bringing 5G to iPhone. This is a huge moment for all of us and we're really excited. 5G will bring up जब वो 5G की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार दुनिया में पहली बार सही मानों में 5G जिस फ़ोन पे इस्तेमाल होगा वो एप्पल है। हमें इन सब बातों का इल्म है एंड वी ऑल नो दैट मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट एक्चुअली ट्रू। ये बात दुरुस्त जरूर है कि एप्पल की इम्प्लीमेंटेशन ज़रा बेहतर ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एप्पल ने कोई ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ मुतारिफ कराई हो जो कि उनसे पहले किसी ने मुतारिफ नहीं कराई। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस आईडी स्कैनर, डॉल्बी विजन, HDR वीडियो, इस तरह की कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़रूर जो कि एप्पल ने फर्स्ट टाइम मोबाइल्स में इंट्रोड्यूस कराई हैं, लेकिन वी नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑलरेडी देयर इन द मार्केट इन वन शेप और अनदर। लेकिन हाँ, एक चीज़ ऐसी है जो कि हमेशा एप्पल सबसे पहले करता है और जिसका उसे खमियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है, एंड दैट इज रिमूविंग द थिंग्स एंड रिमूविंग द स्टफ फ्रॉम द डिवाइसेस। सबसे पहले अपने कंप्यूटर्स में से SD कार्ड जिस कंपनी ने रिमूव किया वो एप्पल थी। सबसे पहले USB-A जिस कंपनी ने रिमूव किया अपने लैपटॉप से वो एप्पल थी। सबसे पहले जिसने DVD ड्राइव रिमूव की अपने लैपटॉप से वो एप्पल थी। सबसे पहले जिस कंपनी ने हेडफोन जैक रिमूव किया अपने फ़ोन से वो एप्पल थी। सबसे पहले अपनी कंपनीज में से फिंगरप्रिंट स्कैनर जिस कंपनी ने रिमूव किया वो एप्पल थी। और अब वो कंपनी भी एप्पल है कि जिसने सबसे पहले अपने फोन्स के अंदर से चार्जर और ईयरफोन्स रिमूव कर दिए। सो वी आर रिमूविंग दीज आइटम्स फ्रॉम द आईफोन बॉक्स व्हिच रिड्यूसेस कार्बन एमिशंस एंड अवॉइड्स द माइनिंग एंड यूज ऑफ प्रेशियस मटेरियल्स। ऑल द टाइम व्हेन एप्पल डज ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे डू गेट अ लॉट ऑफ हेट फ्रॉम सो मेनी पीपल। और ऐसे तमाम मौकों पर सैमसंग हमेशा एक काम जरूर करता है, एप्पल को ट्रॉल करना कभी नहीं भूलता सैमसंग। आप हेडफोन जैक का रिमूवल ले लें, आप आईफोन 10 की नॉच की बात कर लें, आप इस चार्जर और ईयरफोन्स के रिमूवल की बात कर लें, सैमसंग हमेशा एक काम जरूर करता है कि या तो वो इसके बारे में कोई ना कोई वीडियोस बनाएगा, या इसके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेगा, और या इसके बारे में कोई ना कोई नया एड जरूर बनाएगा जिसमें वो ये कहना चाहेगा कि जनाब देखें एप्पल आपके साथ ये कर रहा है, हम नहीं करेंगे आपके साथ। लेकिन एट द एंड ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी टाइम तमाम की तमाम कंपनीज आखिर में वही काम करती हैं जो कि उनसे पहले एप्पल कर चुका होता है, एंड दिस ईयर इज नो डिफरेंट। सैमसंग इस बार फिर एप्पल को ट्रोल करना नहीं भूला, और एप्पल की लॉन्च के बाद सैमसंग सबको ये बताना नहीं भूला कि उनके बॉक्स के अंदर अभी भी चार्जर भी मौजूद हैं और ईयरफोन भी मौजूद हैं, ओनली टू रिवील लेटर कि शायद सैमसंग अब एग्जैक्टली वही काम करेगा जो कि एप्पल कर चुका है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट सैमसंग की एक और आदत यह है कि पहले वो एड बनाएगा, वीडियो बनाएगा, सोशल मीडिया की पोस्ट करेगा, उस चीज़ के ऊपर ठीक ठाक पैसे खर्च करेगा, और बाद में जब एग्जैक्टली सैमसंग ने वही काम करना होगा तो सैमसंग अपनी उन तमाम पोस्ट्स को, वीडियोस को, एड्स को डिलीट करना नहीं भूलता। आई थिंक दिस इज मच मच मोर एम्बैरेसिंग देन टू जस्ट लीव देम ओवर देयर। और बाकी तमाम चीज़ एक तरफ, एड्स होते वैसे इंजॉयबल हैं। 2016 में जनाब एप्पल का वो मशहूर ज़माना डिसीजन आया जिसमें एप्पल ने ये फैसला किया कि आइंदा से उनके फ़ोन्स के अंदर हेडफोन जैक्स नहीं होंगे, एंड देर वॉज वन स्मॉल डोंगल दैट वॉज प्रोवाइडेड इन द आईफोन 7। सैमसंग ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ना सिर्फ एप्पल के इस डिसीजन का मजाक उड़ाया बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एड बनाया। The ad was hilarious by all means, except that from Note 10 onwards, Samsung ke bhi most of the phones ke andar headphone jack nahi hai. Aur apna ye decision karne se pehle ki unko headphone jack nahi chahiye, Samsung ne wo video apne YouTube ke channel se delete kar di. In
द ईयर 2018 एप्पल ने जब अपना आईफोन 10 मुतारिफ कराया, देयर वाज अ नॉच ऑन द फोन, और 2018 में मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 8 या 9 एड्स थे जो कि सैमसंग ने बनाए थे, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली एप्पल के ऊपर हिट करते थे. And those ads were hilarious. Really slow. You could turn off the performance management feature, but it may lead to unexpected shutdowns. Battery throttling. Or you can just upgrade it. Apart from that, कि जब उन्होंने एक बंदे की हेयरकट दिखाई कि ये नॉच वाली हेयरकट है, फिर उसका बेटा भी दिखाया कि उसकी भी नॉच वाली हेयरकट है, फिर वाइफ का भी दिखाया कि वो नॉच वाली हेयरकट है. Oh no. They come here all the time. Basically, they were trying to call the Apple users stupid or something. वो थोड़ी सी एक अनफेयर चीज़ थी, लेकिन अदरवाइज एड्स बड़े अच्छे थे. एक्सेप्ट कि कुछ ईयर से बाद गैलेक्सी ने अपनी एम सीरीज मुतारिफ कराई और उसके अंदर नॉच मौजूद था, जिस नॉच के सैमसंग हमेशा से मजाक उड़ा रहा था, दैट नॉच वॉज ऑलरेडी देयर. लेकिन फिर जनाब सैमसंग एक काम और करता है, आई डोंट नो वाई एंड आई थिंक दे शुड नॉट डू इट, वो अपने फ्लैगशिप फोन्स को पिछले साल के आई फोन्स या उससे पिछले साल के आई फोन्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और एप्पल के आई फोन्स को ये कह रहे होते हैं कि वो स्लो हैं. आई मीन आर यू जस्ट थिंकिंग ओवर इट, आप अपने इस साल के फ्लैगशिप फोन को एप्पल के पिछले या उससे पिछले साल के फ्लैगशिप फोन के साथ कंपेयर कर रहे हो. एंड ऑन टॉप ऑफ इट, यू नो व्हाट द आयरनी ऑफ द मैटर इज, कि अगर आप बेंचमार्क्स देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो एप्पल का 2 साल पुराना फोन सैमसंग के इस साल के नए फोन से अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है. यार आपने अगर कंपेयर ही करना है ना, तो आप इसी साल के आईफोन को अपने इसी साल के सैमसंग से आप कंपेयर करो, कुछ चीज़ मज़ेदार तो लगे, कोई अच्छी तो लगे. आई मीन आप ये काम करते हुए कि आप अपनी नई चीज़ को एक 2 साल पुरानी चीज़ से कंपेयर कर रहे हो, आप खुद बेवकूफ़ लग रहे होते हो. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, आई रियली इन्जॉय दोज एड्स, और उन एड्स के अंदर हर चीज़ बिल्कुल गलत नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में वो जिस तरीके से प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर समटाइम्स. और फिर उसके बाद आप वो सब के सब काम करते हैं, आप एड्स बनाते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट करते हैं, जस्ट टू डिलीट देम बिफोर यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग. आप जब अपने फोन्स में से हेडफोन जैक रिमूव करते हैं, तो आप वो वीडियोस डिलीट कर देते हैं जो कि उससे पहले की थी. अभी उन्होंने अपने फोन बॉक्सेस के अंदर से चार्जर और हेडफोन्स निकालने हैं, तो उन्होंने ये सोशल मीडिया की पोस्ट ऑलरेडी डिलीट कर दी है. एंड सैमसंग इज नॉट द ओनली वन इन दिस थिंग, इसमें जनाब ओप्पो भी शामिल है, हुआवे भी शामिल है, इसमें गूगल भी शामिल है. इन सब ने किसी ना किसी मौके पे एप्पल का मजाक खूब उड़ाया. एंड यस इट इज़ ट्रू कि एप्पल जब ये सारे के सारे फीचर्स निकालता है, तो पूरी दुनिया की मीडिया की नफरत का जिसको सामना करना पड़ रहा होता है, वो एप्पल ही होता है. सैमसंग, ओप्पो, हुआवे, ये सब बाद में आराम से एग्जैक्टली वही काम करते हुए जाते हैं जो कि इससे पहले एप्पल कर चुका है. एप्पल ने अपना आईफोन 10 मुतारिफ कराया, उन्होंने कीमत बढ़ा दी जनाब $1,000. उससे पहले कोई भी फ़ोन $1,000 का नहीं था. बाद में सैमसंग ने एग्जैक्टली यही काम किया, बाद में ओप्पो, हुआवे, इन सब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने फ़ोन्स की कीमतें भी रेज करना शुरू की. एंड फॉर व्हाट इट्स वर्थ, सैमसंग शुड बी थैंकफुल टू दी एप्पल कि यार आपने $1,000 किया, तो अब हम भी कर रहे हैं. बट यू सी ऑन द फ्लिप साइड, एप्पल नेवर रिस्पॉन्ड्स. देयर वॉज अ टाइम व्हेन एप्पल यूज टू, जब मैक और विंडोज की जंग चल रही थी, तो एप्पल के भी इसी तरह के एड्स आते थे, आई मैक वाले, अगर आपने देखे हो. बट आई थिंक एप्पल हैज मैच्योर्ड फ्रॉम दैट. पर एप्पल कभी भी इन ट्रॉल्स का रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है बिल्कुल सिरे से. दे टेक ऑल द हेट इन द वर्ल्ड. आप जनाब एयरपॉड्स को देख लें, एयरपॉड्स के ऊपर कितनी मीम्स नहीं बनी, कितने मजाक नहीं बने, किन किन कंपनीज ने एप्पल का मजाक नहीं उड़ाया, ये कान से गिरते हैं, ये हैं, ये वो हैं, ऐसा लगता है आपके कान के अंदर टूटी लगी हुई है, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ है. बाद में हमने क्या देखा, गैलेक्सी बर्ड्स, गूगल बर्ड्स, ये बर्ड्स, वो बर्ड्स, सब ने अपने अपने वायरलेस ईयरबड्स मुतारिफ कराए. All of them are going on the same track as the Apple does. And for what it's worth, मेरे ख्याल में इन सबको एक और Apple पैसे कमाने का रास्ता दिखाता है. I'm not hardcore Apple fan by any means. ऐसा नहीं है कि Apple अगर नहीं होगा तो शायद मेरी जिंदगी Apple के साथ ही खत्म हो जाएगी. No, it's not like that. I have been using Android flagships. I've used Note 8, Note 7, Samsung Galaxy S6 Edge, S7 Edge, S8, S9 तक इवन मैंने यूज़ किया हुआ है. And yes, I have been using Windows as well. So obviously, if one of them will start performing better than my Apple devices, I will obviously switch over to them. I don't hate any of them per se. और अगर हकीकत की बात की जाए, तो basically यही Android की companies हैं जो कि मेरे ख्याल में phones की और laptops की इनकी prices को check रखने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं, because now you have a variety of options when you go to the market. But I think यार अब इन सबको भी थोड़ा सा mature हो जाना चाहिए. These things need to stop now. और इनको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए. Samsung का मार्केट शेयर एप्पल से ज्यादा है. ओके, सैमसंग की वैल्यू एप्पल से कम जरूर है, बट सैमसंग हैज अ वेरी गुड मार्केट शेयर. इट्स अराउंड 29% इन द वर्ल्ड ओवर.
they need to mature, and so do the rest of the companies. Competition is good, competition is healthy, and competition is the one thing that keeps the price of all of these things in check. In sab ki kimte agar kisi wajah se control mein hai, to wo isiliye hai ki in sab companies ka aapas mein competition hai. To janab, ye thi aaj ki video. Agar aapko aaj ki video pasand aayi ho, achhi lagi ho, to please like karna mat bhuliyega, share karna mat bhuliyega, aur subscribe karna mat bhuliyega. Apna dher sara khayal rakhiyega, duaon mein yaad rakhiyega, with tons of love to my Orange Shorts family. And to be Orange Shorts family, this is me, Zahid Nisar. Aap log dekh rahe hain Orange Shorts. Agli video tak. Allah Hafiz.